हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट से। और जो जो हमने लास्ट वीडियो में स्टॉक्स डिस्कस किए थे, अराउंड 25 चार्ट्स थे जिसमें से निफ्टी हमारा एक चार्ट। ऑलराइट, निफ्टी में मैंने कहा था कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, जिसका ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन हमें दिखा लास्ट सेशन में। निफ्टी में 0.84% का मूवमेंट के साथ क्लोजिंग हुई है। लास्ट स्विंग लेवल 18050 के ऊपर 18065 पे क्लोजिंग हुई है। ओके, अब जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 18081 पे है। ऑलराइट, इसके ऊपर फर्दर चलता है हमारा फिबोनाची नेक्स्ट टारगेट बनता है 18363 का लेवल, जो कि हमारे सामने ऑन स्क्रीन सामने है। ओके, सो धीरे धीरे कंफर्मेशन के साथ इन लेवल्स का नोट कर लीजिए जो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। ओके, सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बीच में मिलेगा, जहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, वो लेवल है समवेयर अराउंड 18255 के आसपास से थोड़ा सा पुल बैक मिल सकता है हमें इन द कमिंग वन और टू सेशंस। वहाँ से पुल बैक लेते हुए फिर से फिबोनाची लेवल को बेस बनाते हुए फर्दर ब्रेकआउट देखेंगे हम। अब देखते हैं स्टॉक्स, पहला था आइडिया। ओके, सी आइडिया में कंटिन्यूएशन है ऊपर की तरफ, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है। ओके, और उसके ऊपर की क्लोजिंग है अगर हम इसको लॉगरिथमिक व्यू पे देखें, ठीक है। सो इसी लेवल पे फर्दर रीटेस्ट हो चुका है, वैसे तो इसी लेवल को फर्दर सपोर्ट बनाते ऊपर मूव करता है। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 7.5 से लेकर के हमारा रेजिस्टेंस के लेवल, फिबोनाची लेवल है हमारा 8.6 से लेकर के 8.65 तक के टारगेट्स। ओके, ये रहा हमारा फॉर आइडिया। इसके बाद SJVN सी रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे, जो कि एक जोन था। ओके, और लेवल हमारा ये था 36.1 का। ऑलराइट, सी ये था हमारा रेजिस्टेंस का लेवल, चार्ट पे मार्क नहीं है बट यस, यहाँ पे जो लोग हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको ये लेवल दिख गया होगा ऑलरेडी। 36.1 का लेवल था, वहीं से इसने रिजेक्शन लिया। ऑलराइट, और क्लोजिंग हमने 35.45 पे, जो हमारा सपोर्ट लेवल था उसी के ऊपर हुआ है। अब यहाँ से देखने की स्थिति होगी, यदि हमको एक रिकॉर्ड फिर से मिल जाता है इसी लेवल को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ, और हमें क्लोजिंग मिल जाती 36.3 के ऊपर, देन हमें फर्दर ऊपर की ओर रिकॉर्ड मिलेगा। एक हमें क्लोजिंग चाहिए होगी फिलहाल यहाँ पे अराउंड 36.8 के आसपास की, 36.75 36.8 के आसपास की अगर क्लोजिंग मिल जाती है, देन फर्दर अपवर्ड मूवमेंट पे कंटिन्यूशन हमें देखने को मिलेगा इन द कमिंग सेशंस। इसके बाद है IDFC फर्स्ट बैंक, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला लास्ट सेशन में, अराउंड 3.5% का मूवमेंट देखने को मिला। जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिली है 61.35 के ऊपर। जो लोग फॉलो कर रहे होंगे पक्का प्रॉफिट में चल रहे होंगे, दे मस्ट बी वेरी हैप्पी ऑल्सो सीइंग द एनालिसिस एंड किस तरीके से मार्केट टेक्निकल्स को फॉलो करता है, रिस्पेक्ट करता है टेक्निकल्स को, जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। ओके, और स्विंग लेवल था 62, वही हाई बना करके उसी लेवल से पुल बैक लिया। अब वॉचआउट करना होगा कि 61.35 पे ही फर्दर बेस बना करके ऊपर मूव करता है, देन हमारा टारगेट रहेगा हिस्टोरिकल लेवल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अराउंड रेजिस्टेंस का लेवल मान लेते हैं, जो हमें देखना वॉचआउट करना होगा 62.35, एंड द नेक्स्ट लेवल विल बी 62.75, ये दो लेवल्स। और जो हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा इस मूवमेंट का वो है 66.8 का स्विंग रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है इन द कमिंग सेशंस। अगला था श्री दिग्विजय सीमेंट सी, कहा था कि ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है ये पिंक वाला, वहीं से कैप अप ओपन हो, वहीं से रिजेक्शन ले, फिबोनाची के नीचे की क्लोजिंग की है। ऑलराइट, फिलहाल अब इसी लेवल से वॉचआउट करना होगा, इसी लेवल पर फर्दर गैप अप लेते हुए एक बार हमें क्लोजिंग देखनी है। हमें क्लोजिंग मिल जाए 74.5 और 74.95 के लेवल्स के ऊपर, तो फर्दर कंटिन्यूएशन मिलेगा एंड हमारा अपर जो टारगेट्स रहेंगे वो 80.65 तक के देखने को मिल सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो एंड किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से मार्केट मूवमेंट देता है। सी IOC भी धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है। ओके, रेजिस्टेंस लेवल था 81.55 शार्प, वहीं से रिजेक्शन मिला है इसको। अब वॉच आउट करने वाली चीज़ हो जाती है कि हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन पे फर्दर बेस बना करके ऊपर मूव करता है तो मेरे पास टारगेट्स रहेंगे ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन और 82.60 का लेवल। 82.60 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है, 82.6 के ऊपर की अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है देन फर्दर अपवर्ड मूवमेंट का कंटिन्यूशन होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा 83.8 का लेवल, और 84 के ऊपर यदि हमें क्लोजिंग मिल जाती है देन फर्दर जो हमारे टारगेट्स होते हैं 85 से लेकर के 87.6 तक के लिए एक्सटेंड हो जाएंगे। ऑलराइट, अगला देखते हैं, अगला था RBL बैंक सी, अच्छा सा ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट भी नहीं हुआ है, तो हम वॉचआउट एक बार वेट करना चाहिए कि एक बार 158.75 का जो स्विंग लेवल है ये वाला, ये रिटेस्ट होना चाहिए एक बार, उसके बाद फर्दर ऊपर के जाने का हम देखेंगे इसमें। ओके, फिलहाल के लिए इस लेवल को रिटेस्ट होने का वेट करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि लेवल्स मार्क्ड ऑलरेडी, पॉज करके यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। 158.75 का लेवल है। ओके, इसके बाद अगला एक्साइड इंडस्ट्रीज सी। ओके,
धीरे धीरे करके जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल है 198.4 और 199 वहाँ तक पहुँचने वाला है इन द कमिंग सेशन, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, सो स्विंग ट्रेडर्स जो बने हुए हैं इस लेवल के बाद से, इट्स ऑलरेडी 13.5 से लेकर के 14% का मूवमेंट मिल चुका है और जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो है 15%। ओके, सो बने रहिएगा, जैसे टारगेट हिट करता है आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं चार्टिंग के लिए। ओके, इसके बाद अगला सी यू बी सी, जहाँ पर ओपन होने के बाद जो सपोर्ट लेवल था वहीं से बाउंस लिया है 138.4 के लेवल से। नाउ वी नीड टू वॉच आउट, एक बार के लिए हमें क्लोजिंग चाहिए 146.5 का जो स्विंग लेवल है उसके ऊपर, देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनता है 150 के लेवल है। 150 के ऊपर फर्दर चलता है देन ऊपर के लेवल्स और ओपन हो जाएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद चेन्नई पेट्रो सी लेवल के पास से मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग ओपन बुकिंग कर लेनी चाहिए, लास्ट वीडियो में आप उसको रीओपन करके देख सकते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसी तरीके से फॉलो करता हूँ जिस तरीके से मैंने कहा था प्रॉफिट बुकिंग अप कर लेनी चाहिए। उस हिसाब से जिन लोगों ने समय से प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी वो लोग अब सही पोजिशन में बैठे होंगे। ऑल राइट, इसके बाद अगला महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है, धीरे धीरे करके फिबोनाची लेवल पे बेस बनाया था। नेक्स्ट फिबोनाची लेवल 259.95, शार्प उसी के पास रिजेक्शन लिया है। अब हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग लेवल का वेट करना होगा, दैट इज द लेवल ऑफ अराउंड 262.9 263 के लेवल्स पे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है देन फर्दर अपवर्ड मूवमेंट ट्रिगर होगा और टारगेट है हमारा फिबोनाची का लेवल 1.618 का, 306.8 और रेजिस्टेंस लेवल 313.35 तक के। ओके, इसके बाद ग्रैनुल्स फार्मा में जिस तरीके से हमने बताया ब्रेकआउट इस समय बन रहा है, सो वॉच आउट कीजिएगा, ग्रैंडुल्स में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और जो गैप अप ओपन होकर के स्विंग लेवल के नीचे की क्लोजिंग इसने दी है। ओके, एक बार के लिए जो हमारा लास्ट स्विंग है यहाँ पे इसके ऊपर चलना शुरू कर देता है 300.65 के ऊपर से। ओके, देन हम इसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं फॉर गोइंग लॉन्ग। ग्लेनमार्क स्टिंग लेवल पे आकर के रिजेक्शन नहीं था बट उसके बाद गैप अप ओपन हुआ फिर वहीं से वॉल्यूम से इकट्ठा हुआ उसके फर्दर ऊपर मूव करना शुरू किया है। फिबोनाची टारगेट्स के ऊपर हो चुका है, सो यहाँ से अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अब हम शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मिल चुका है, इस कैंडल पर मैंने एंटर कराया था जहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, सो ऑलरेडी एक मूवमेंट 30% तक का कर चुके हैं। सो द ट्रेडर्स वी कैन नाउ स्टार्ट डूइंग सम प्रॉफिट बुकिंग इन दिस वन, या फिर पोजीशन अभी पूरी एग्जिट कर सकते हैं और फर्दर जब हम फ्रेश ट्रेड्स मिलेंगे तब हम फिर से करेंगे क्योंकि स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है, बस फाइंड आउट करने की देरी रहती है। ओके, इसके बाद अगला ओरो फार्मा, यू कैन ऑल्सो चेक ऑल दिस एनालिसिस एंड एवरीथिंग फ्रॉम द लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी। सी, सो एज आई टोल्ड ओरो फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, सो जिन लोगों ने कर ली होगी अच्छी पोजिशन में बैठे होंगे। ऑल राइट, ऑल दो ऑरो फार्मा को अगर पुल बैक लेना होगा या ऊपर चलना होगा तो 634.3 के लेवल तक एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट ट्रेडिंग इज अ यू कैन से फुल टाइम बिजनेस है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, सो जहाँ का प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करते हुए चलना चाहिए। ऑल राइट, जब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था तो मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई थी एंड तब से यहाँ तक जो है अराउंड 36 से लेकर 37% तक का मूवमेंट मिल चुका है विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, सो वन मस्ट डू द प्रॉफिट बुकिंग एज पर मी। ओके, कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है बट आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन एंड यू कैन सी हाउ विल द एनालिसिस एंड द लेवल्स डू फॉलो इन द मार्केट। ठीक है, इसके बाद अगला भारतीय एयरटेल सी, भारतीय एयरटेल धीरे धीरे करके जिस तरीके से मैंने बताया था कि बेस बना चुका है फर्दर मूव करेगा, यहाँ पे गैप भी कवर हो चुका है, रेजिस्टेंस लेवल भी एक्सक्यूज मी ब्रेक हो चुके हैं और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 797.5 उसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल चुकी है। सो अब यहाँ से एक लॉन्ग कंटिन्यूएशन होता है, अगर इसी लेवल पर फ्लैट ओपन होता है या फिर किसी भी तरीके से गैप अप भी ओपन होता है 797.5 पे फर्दर रीटेस्ट करके अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करता है देन वी कैन मेक एन एंट्री इन दिस वन एंड द फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो अराउंड 816-817 का लेवल रहेगा जिसके ऊपर की क्लोजिंग हमें फर्दर ट्रिगर करेगी फॉर फ्रेश मूवमेंट्स अप टू द लेवल ऑफ 841 से लेकर के 845। ओके, प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं अराउंड 842 के आसपास। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला था हमारे पास हैवल्स, सी हैवल्स से मैंने कहा था यहाँ पे मशक्कत हो रही है, लड़ाई चल रही है बट यहाँ पे अच्छी सी क्लोजिंग हो चुकी है और सपोर्ट भी ले लिया, पुल बैक ले लिया, सो ये ट्रेड हमारा एक्टिव है यहाँ से
एंड आर टारगेट फॉर दिस वन इज 1 to 4 8 का लेवल, 1 to 7 0, 1 to 8 8, एंड जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो हमारा फिबोनाची लेवल है 1 to 99.3 से लेकर के 1 3 0 0 तक के इन हेवल्स. ओके, यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो, टेक अ स्क्रीन शॉट और नोट डाउन द लेवल्स एज पर योर फिजिबिलिटी. ओके, इसके बाद अगला अजंता फार्मा. सी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, बेस बना चुका है, इसने भी पुल बैक लिया है यहाँ पे. ओके, तो हमारे पास जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस यहाँ पर है वो अराउंड 1340 के आसपास है, 1340 के आसपास है, जिसके ऊपर की क्लोजिंग हमें, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है 1345, जहाँ पे हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं. एक लेवल है 1369 या फिर 1370 ग्राउंड लेवल पकड़ लें तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती है, देन फर्दर अपवर्ड मूवमेंट ट्रिगर होगा एंड वी कैन टेक अ ट्रेड्स अप टू द टारगेट्स ऑफ 1464 तक के लेवल्स. ओके, सो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, सो वॉच कीजिएगा. इसके बाद अगला नेस्ले, नेस्ले इंडिया. सी इस तरीके से ब्रेकआउट सस्टेन हुआ और हमने इसमें एंट्री कराई थी इसी समय पे, जब हमने कहा था कि यहाँ पे इस कैंडल के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये शुरू होता है तो हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाता है. सो उस पॉइंट से अभी तक का मूवमेंट अच्छा खासा हो चुका है, इट्स बीन अराउंड 12% का मूवमेंट मोटे मोटे, तो वन कैन स्टार्ट डूइंग द प्रॉफिट बुकिंग इन दिस वन. ओके, FMCG में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए बिकॉज इसमें न्यूज़ फैक्टर जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है. सो जिन लोगों ने डेरिवेटिव में ट्रेड लिया होगा वो लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में स्टैंड कर रहे होंगे इसमें, तो दे कैन जस्ट डू देयर प्रॉफिट बुकिंग. ओके, इसके बाद अगला है मिंडा कॉरपोरेशन, मिंडा कॉर्प. सी एज आई टोल्ड कि अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, जिन लोगों ने कर लिया होगा वेरी गुड, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना इसके बारे में. ओके, अगला बैंक ऑफ बड़ौदा धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है. सी लॉगरिथमिक वेव अपने टारगेट पे आ चुका है, अब यहाँ पे एक जोन बनता है, पुल बैक ले सकता है थोड़ा सा. सो जिन लोगों ने पार्शली प्रॉफिट बुक कर लिया इज़ वेरी गुड, अगले सेशन में मंडे को गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है. ओके, और एक लेवल बता देता हूँ, अराउंड 190 के आसपास से 190 को ब्रीच करता है, कंफर्मेशन देता है 5 मिनट की टू कैंडल से 15 मिनट की वन कैंडल, देन हम इसमें एंट्री करेंगे. टारगेट हमारा रहेगा 207.75 से लेकर के अगला फिबोनाची लेवल 208 का लेवल, एंड अल्टीमेट टारगेट जहाँ पे हमें, जहाँ तक हमें एक स्पाइक मिल सकती है, इज द लेवल ऑफ 216.25, बट बी कॉशियस एंड स्टॉप लॉस को अपने लगा के ज़रूर रखिएगा. ओके, आई नो मज़ा बहुत आ रहा है आप लोगों को एज यू आर सीइंग द एनालिसिस एंड जिस तरीके से मार्केट चल रहा है. अगला रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, सी सो इस कैंडल के बाद अब ब्रेकआउट हो सकता है, अगर गैप अप ओपन होता है किसी भी तरीके से, गैप अप ओपन होकर के इसी लास्ट स्विंग को, इसके लो को या इसके क्लोज को टेस्ट करते ऊपर मूव करता है, देन वी कैन मेक एंट्री इन दिस वन. अल्टीमेट मूवमेंट जो है हमारा 173-174 के ऊपर ही शुरू होगा, बट यस यहाँ से इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग हमें मिल जाती है देन वील स्टार्ट अ ट्रेड इन दिस वन, एंड अबव द लेवल ऑफ 166 इज वेरी श्योर फॉर अ ब्रेकआउट टू मेक एन एंट्री, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 194.95. ओके, एंड एक्सटेंडेड जो हमारा स्विंग टारगेट वो है हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, ये वाइट वाला, और ये हमारा जो है स्विंग रेजिस्टेंस लेवल है 244.7 से लेकर के 245 तक के लेवल्स. ओके, सो स्विंग ट्रेडर्स इसको वॉच लिस्ट में जरूर से रखें, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इट कैन बी गुड मूवमेंट ऑफ अराउंड 55-60% का टारगेट इन अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनेगा ही हमारा. ओके, इसके बाद अगला है जेके टायर. सी धीरे धीरे करके फिबोनाची को फॉलो करते हुए चल रहा है. ओके, अगर हमारी एक बार क्लोजिंग मिल जाती है 183.5 के ऊपर या 183.75 फिबोनाची लेवल के ऊपर, देन फर्दर हमारा ट्रेड ट्रिगर होगा अपसाइड के लिए, टारगेट रहेगा हमारा 205.7 तक के लेवल्स इन जेके टायर. इसके बाद अगला इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन. ओके, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बट यहाँ पे एक जोन भी है, तो वी नीड टू वॉच दिस वेरी केयरफुली. एक बार की क्लोजिंग हमारी इस हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस लेवल पकड़ लेते हैं, स्विंग लेवल पकड़ लेते हैं यहाँ पे. ओके,
एक बार 2031 से लेकर 2035 के लेवल के ऊपर जाता है, कंफर्मेशन देता है, देन वील मेक एंट्री दिस वन। टारगेट हमारे रहेंगे फिबोनाची लेवल 2061.25 से लेकर के 2136.35 तक के लेवल्स। ओके, सो स्विंग ट्रेडर्स इस पे नज़र बना करके बिल्कुल रखें, इट हैज़ टू बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट। ओके, अगर रिजेक्शन में मिलता है 2061.25 के लेवल से, देन शॉर्ट करने की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे मैंने एंट्री कराया था जब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना था, तब से जो है हमारा मूवमेंट अभी तक जो कैप्चर हुआ वो अराउंड 11% को हो चुका है, एंड वी आर एमिंग फॉर एटलीस्ट 12.5% से लेकर के अराउंड 17% तक के मूवमेंट इन इंडिगो। नेक्स्ट इन द लास्ट वन उषा मार्ट, वहीं पर अभी मूव करा। अब इस कैंडल को वॉचआउट कर लीजिए, इस कैंडल के बाद यदि गैप अप ओपन होता है इस लास्ट कैंडल के ओपनिंग के ऊपर, देन वी मेक एन एंट्री इन दिस वन। जो हमारे टारगेट्स रहेंगे हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन को ब्रीच करते हुए 239.2 से लेकर के 285 तक के लेवल्स। ऑलराइट, सो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से मार्केट्स उन्हीं लेवल को न्यूज़ के साथ और मार्केट सेंटीमेंट्स के साथ फैक्टर इन करके एब्जॉर्व करता है और हमारे एनालिसिस के लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। ओके, तो जस्ट डू एनरोल फॉर द कोर्स, एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू नो कैन बी आस्क्ड बाय रीचिंग मी आउट। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर यू नो ऑलरेडी 8004513578, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी क्वेरीज दैट यू फाइंड इन द कॉन्टेंट और फीडबैक प्लीज दीजिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप योर प्रॉफिट्स इंटैक्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड यस, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, जस्ट रिमेंबर।